हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में कैसे सिखाएं, कब सिखाएं, कौन सिखाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों से गुड टच और बैड टच की बात कब करना स्टार्ट करी जाए। देखिए, इस पे कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को हम प्ले स्कूल में डालते हैं, स्कूल्स में डालते हैं, वो एक बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये समझ हो कि क्या टच बैड टच है और किस टच के बारे में उन्हें अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बात याद रखिए कि गुड टच और बैड टच एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एक बार बच्चे के साथ बात करके ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे जैसे बच्चे एज होते हैं और उनकी मैच्योरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे ही गुड टच और बैड टच के बारे में आपकी कॉन्वर्जेशन भी उनके साथ चेंज होती रहती है, ज़्यादा डीप होती रहती है। बच्चों के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आगे जाके, जो आपको आंसर करने पड़ते हैं। एंड इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप जितना डिटेल में जाके उन्हें ये एक्सप्लेन कर सकें वो करें। बट एक दो साल के बच्चे को भी आप ये समझा सकते हैं कि उन्हें किसी और के सामने कपड़े नहीं चेंज करने हैं, उन्हें जब वो वॉशरूम यूज़ कर रहे होते हैं मम्मी के साथ या डैडी के साथ, तो डोर को बंद रखना है ताकि कोई उनको नहीं देखे और उनका शेम शेम नहीं हो। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, बट यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा सवाल आता है कि गुड टच और बैड टच के बारे में कॉन्वर्जेशन बच्चे से करनी किसको चाहिए। सो देखिए, आइडियली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, बट टीचर्स और स्कूल्स पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी इन टॉपिक्स को लाएं और इन टॉपिक्स को बच्चों के साथ डिस्कस करें, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि अगर स्कूल जैसे एनवायरमेंट में उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो किसको कम्युनिकेट करें और कैसे कम्युनिकेट करें। नाउ एज पेरेंट्स, हर पेरेंट कंफर्टेबल नहीं होता है बच्चे से इस बारे में बात करने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो आप में से जो भी पेरेंट बच्चे के साथ कंफर्टेबल है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जिसकी बात बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से रजिस्टर होती है, उसे कॉन्स्टेंटली रिइटरेट करते हुए बच्चे से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। तीसरा, किस टाइम पे हमें बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो बस ये याद रखिए कि कभी भी इसे एक ट्रेडमिल कॉन्वर्जेशन मत बनाइए। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चे किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं, माना कि वहाँ पे रूम में कोई नहीं है, हमने इस कॉन्वर्जेशन को छेड़ दिया, वो आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज बच्चे की पूरी अटेंशन आपके पास नहीं होती है। आपके पास ज़रूर ऐसा टाइम दिन में होता होगा जब आप बच्चे के साथ अकेले हैं, वो आपका बॉन्डिंग टाइम है, कनेक्टिंग टाइम है, चाहे वो सोने से पहले ही हो, दैट इज़ अ पीसफुल टाइम जब आपको बच्चों को इस बारे में समझाना चाहिए। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेके बच्चों को समझाना चाहिए, उस तरीके से चीज़ें बच्चों को बेटर समझ आती हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इस टॉपिक में हम बच्चों को समझाएं क्या। तो सबसे पहले आपको बच्चों के लिए डिफाइन करना है गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। तो गुड टच का एग्जाम्पल आप बच्चों को दे सकते हैं कि कोई भी टच जो उन्हें अच्छा फील कराता है, हैप्पी फील कराता है, उसको बोलते हैं गुड टच। जैसे कि जब बच्चा कुछ अच्छा करता है और मम्मा आके उसको ज़ोर से हग देती है, तो वो होता है गुड टच। जब स्कूल में बच्चे कुछ अच्छा करते हैं और टीचर पैट ऑन द बैक करती है तो बच्चों को अच्छा लगता है, उसे बोलते हैं गुड टच। जब ब्रदर सिस्टर एक दूसरे को हग करते हैं बिकॉज वो बहुत खुश हैं, बर्थडे है, कोई अच्छी सेलिब्रेशन है, तो वो होता है एक हैप्पी गुड टच। इसी तरीके से बैड टच क्या होता है। बैड टच हर वो टच होता है जो बच्चे को अनकम्फर्टेबल करता है, एक डिसकम्फर्ट सा देता है, उसे ऐसे लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। बैड टच सिर्फ स्ट्रेंजर्स या आउटसाइडर्स की तरफ से नहीं आता है, कई बार आपके नोन और आपके बिल्कुल क्लोज्ड वंस से भी आ सकता है, सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अबाउट इट। एंड बैड टच सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को टच करने पे ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। किसी को हिट करना, किसी को किक करना, किसी को स्लैप कर देना, धक्का दे देना, ये भी बैड टच का पार्ट है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप पार्क में खेल रहे हो, किसी बच्चे ने पीछे से आपको आके ऐसे ही जोर से पुश कर दिया, तो आपको कैसा लगा? तो बच्चे आपको बताएंगे कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो दैट इज़ अ बैड टच। एंड साथ में आपको बच्चों को ये समझाना है कि ये जो गुड टच और बैड टच है, ये सिर्फ आपकी बॉडी पे अप्लाई नहीं होता है, आपको ये किसी और को करना भी नहीं है। तो गुड टच बैड टच दो तरीके से काम करता है, ना कोई आपके साथ करे और ना वो सेम एक्शंस आप किसी और के साथ करो। दूसरा,
बच्चों के लिए उनके प्राइवेट पार्ट्स को डिफाइन कीजिए, उन्हें बताइए कि ये वो पार्ट्स हैं जो आपको खुद हमेशा प्रोटेक्ट करने हैं दूसरों से। इस केस में आप एक स्विम सूट रूल का एग्जांपल ले सकते हो, यानी बॉडी में जो भी पार्ट स्विम सूट कवर करता है वो आइडियली आपका एक प्राइवेट पार्ट होता है, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए और आपको ये कोशिश करनी है कि आप उस पार्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलो। इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप हर पार्ट का नेम बच्चे को समझाएं, ताकि अगर बच्चे के साथ कभी कुछ गलत हुआ और उसको आपको आके ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो वो एग्जैक्टली बता सके कि उसके साथ उस इंसिडेंट में क्या हुआ था और कहाँ हुआ था, ताकि आप इस पर बेटर एक्शन ले सकें। तो यहाँ पे भी आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि जब मम्मा बच्चे का पैंट चेंज करती है, जैसे बच्चे ने सुसु कर दिया, अब मुझे उसका पैंट चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया कि उसके प्राइवेट पार्ट को सिर्फ वॉश किया और फिर मैंने पैंट को चेंज कर दिया। मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को टच नहीं किया या मैंने उसके साथ प्ले नहीं किया जो बच्चे को एक डिसकम्फर्ट दे। तो जब मम्मा को या डैडी को ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो किसी और को भी आपके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोई ज़रूरत या उनके पास कोई रीज़न नहीं है। तीसरा, वॉक द टॉक। देखिए, बच्चे रूल्स तभी फॉलो करेंगे जब आप उनके सामने एक एग्जांपल या एक इमेज क्रिएट करेंगे। हमारे साथ बहुत एक इजी फ्लो में हो जाता है कि हम बाहर से आए, हमने अपनी टी शर्ट चेंज कर दी, बच्चे सामने बैठे हुए हैं और बच्चों के मन में एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है ग्रोनअप्स की बॉडी को देखने की या ग्रोनअप्स के बिहेवियर को देखने की, क्योंकि वो उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमें लगता है हमारा ही तो बच्चा है, बट बच्चे यही चीज़ रजिस्टर करते हैं और फिर वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें अपने कपड़े जो हैं वो कहाँ किसके सामने चेंज करने हैं और किसके सामने नहीं करने हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ें आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड टच एंड बैड टच, आप खुद फॉलो कीजिए। आप वॉशरूम में जाके अपने कपड़े चेंज कीजिए, जब बच्चे के साथ आप बाथ ले रहे हैं तो पहले बच्चे को बाथ दीजिए, उसको फिर बाहर जाने दीजिए और फिर आप अपना बाथ कंप्लीट कीजिए, या फिर मेक श्योर आप अप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहन रहे हैं ताकि बच्चों को ये समझ हो कि अगर आप किसी के साथ बाथ लेते हो, आपकी कोई सिस्टर है, कोई कजन्स है, कोई फ्रेंड्स है, तो कितना क्लोथिंग आपको जरूर पहनना चाहिए टू मेक श्योर दैट योर प्राइवेट एरियाज आर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट टिप है कि कभी भी बच्चों को चेंज मत कीजिए इन पब्लिक, और पब्लिक से मेरा मतलब क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स भी है। आपको उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना उन्हें शुरू से सिखाना है। बहुत ही इजी होता है, बच्चे की पैंट गंदी हो गई है, बच्चे ने अपने ऊपर पानी गिला दिया है, टी शर्ट चेंज करनी है, फटाफट टी शर्ट ले आओ, सब लोग बैठे हुए हैं और बच्चे को चेंज कर दो। यही आदत जो हम शुरू से डालते हैं, फिर बच्चों को समझने में मुश्किल होता है कि अब मैं इस आदत को चेंज क्यों करूं। अगर आप उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट शुरू से बनाएंगे तो बाकी लोग भी इसे समझेंगे और बच्चे के लिए भी ये एक लाइफ लॉन्ग रूल बन जाएगा। नेक्स्ट टिप है कि बच्चों पे कभी भी अफेक्शन फोर्स मत कीजिए। बच्चों के अंदर एक सेंस होता है, एक वाइब होता है, जब वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं तो आपको उसे रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ कई बार ऐसे होता है कि हम इमोशंस में बह जाते हैं और हमें दिखता है कि कोई हमारे फैमिली में या फ्रेंड्स में बच्चों को किस करना चाहता है, हग करना चाहता है और बच्चा नहीं कर रहा है, और हम बच्चे को डांट रहे हैं कि कर दो क्यों नहीं कर रहे हो, जाओ पहले हग करके आओ, जाओ पहले किस करके आओ। इस केस में हम बच्चों के ऊपर एक अफेक्शन फोर्स कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग हो जाता है समझना जब वो एक बाहर के एनवायरनमेंट में होते हैं या फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां वो नहीं समझ पा रहे हैं कि टच गुड है कि बैड है, कि कहां उन्हें लाइन ड्रॉ करनी है। तब उन्हें ये लगता है कि जो भी उनकी तरफ अफेक्शन दिखा रहा है उन्हें वो अफेक्शन रिटर्न करना है, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि बच्चों की वाइब्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली टाइम्स ऐसे आ चुके हैं जहां आप जिनको जानते हो उनको भी कई बार ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, सो रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड डोंट फोर्स अफेक्शन। अगला टिप है बुक्स और वीडियोस का यूज़ करना। काफ़ी पेरेंट्स नहीं कंफर्टेबली बच्चों को समझा पाते कि ये गुड टच और बैड टच एक्चुअली होता क्या है, इसकी वजह से इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, तो काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, यूट्यूब पे ही काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिनकी हेल्प लेके उसमें कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, आप बच्चों को ये चीज़ें और इफेक्टिवली समझा सकते हैं। एंड मेरा लास्ट टिप है प्रिटेंड प्ले। तो आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स बच्चों के साथ घर में ही यूज़ कीजिए कि अगर ये सिचुएशन होगी, मान लीजिए मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और मैं इस तरीके से आके आपके साथ बिहेव करता हूँ तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इसको टाइम एंड अगेन आप बच्चों के साथ करते रहिए, जिससे आपको ये समझ आता रहेगा कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस टॉपिक से रिलेटेड एंड आपको किस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना है ताकि आप इस पे डीपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें। देखिए, ये सब कुछ करने का एम ये है कि बच्चे को पता हो कि उसकी बॉडी को उसको
खुद ही प्रोटेक्ट करना है, मम्मी पापा एक लेवल तक ही उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड उससे भी ज़रूरी अगर उसके साथ कभी भी कुछ होता है तो उस चीज़ को उसे कम्युनिकेट कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, इसको बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई द टॉपिक ऑफ गुड टच एंड बैड टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी दैट व्हेन इट कम्स टू दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। जो आपके और आपके बच्चे में वर्क करे, जो कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज, जो तरीका वर्क करे, उस तरीके से बच्चों को समझाइए एंड कॉन्स्टेंटली समझाते ही रहिए ऑन एंड ऑफ इन अ प्ले वे, इन अ सीरियस डिस्कशन वे, ताकि ये चीज़ उनके दिमाग में अच्छे से रजिस्टर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। This is our Instagram ID where you can connect with us. Thank you for watching MomCom. Bye-bye.